हमेशा विपक्षी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी अब खुद परिवारवाद के आरोपों में घिरती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 155 उम्मीदवारों के नाम हैं। 155 लोगों की इस दूसरी सूची में बीजेपी ने परिवारवाद पर भी दांव खेला है। प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तेदारों के लिए टिकट न मांगने की नसीहत के बावजूद बीजेपी की लिस्ट में परिवारवाद जमकर झलक रहा है। अब आपको कुछ ऐसे ही नामों को बताते हैं, जैसे राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट दिया गया है, प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को कानपुर के कल्याणपुर से, तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को ऊंचाहार से टिकट दिया गया है। वहीं यूपी में कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को पहली लिस्ट में ही टिकट दिया जा चुका है। यूपी ही नहीं, परिवारवाद की झलक उत्तराखंड की सूची में भी देखने को मिली है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा को टिकट दिया गया है। बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु को भी टिकट मिला है। इसके साथ ही कांग्रेस से बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से आए नेताओं पर भी बीजेपी की मेहरबानी देखने को मिली है। पार्टी में 40 से ज्यादा बाहरियों को टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी ने जाति समीकरण का भी खासा ख्याल रखा है। जारी दूसरी लिस्ट में पिछड़ों को तरजीह दी गई है। जाति समीकरणों के लिहाज से पिछड़ों के अलावा सवर्णों को भी साधने की कोशिश साफ तौर पर सूची में देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 304 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 149 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में दूसरी लिस्ट के जारी होने के बाद बीजेपी पर परिवारवाद, बाहरियों को टिकट देने जैसे तमाम आरोप लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि यूपी में अभी 100 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। देखते रहिए डीबी लाइव।